ये तो आप जानते ही होंगे कि अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा एडल्ट फिल्में यानी ब्लू फिल्म बनाने के आरोप में फिलहाल जेल की हवा खा रहे हैं। लेकिन लोगों के जहन में अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या राज कुंद्रा के इस गंदे धंधे में उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी भी शामिल थी। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि शिल्पा शेट्टी का इस पूरे मामले में कहीं हाथ है या नहीं, और शिल्पा भी अपने पति के साथ जेल जाएंगी या नहीं, हम ये भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हमारी वीडियो लगातार आती रहे। दोस्तों, अगर आपने वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई फिल्म देखी होगी तो इमरान हाशमी का ये डायलॉग बहुत अच्छे से याद होगा, रास्ते की परवाह करूंगा तो मंजिल बुरा मान जाएगी। रास्ते की परवाह करूंगा तो मंजिल बुरा मान जाएगी। इस डायलॉग को शायद राज कुंद्रा ने रियल लाइफ में अपनाने की कोशिश की और वह पैसा कमाने के लिए गंदे धंधे में उतर आए। सैकड़ों करोड़ के मालिक होते हुए भी राज कुंद्रा को ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की ऐसी सनक लगी कि वह गंदी फिल्में बनाने लगे। उन्होंने इस गंदे धंधे से पैसे तो खूब कमाए, लेकिन कहते हैं ना, हर बुराई का अंत एक ना एक दिन निश्चित है। ऐसा ही कुछ राज कुंद्रा के साथ भी हुआ है। अब राज कुंद्रा के गंदे धंधे का राज बेपर्दा हो चुका है और फिलहाल वह जेल की हवा खा रहे हैं। राज कुंद्रा के जेल जाने के बाद अभी सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि क्या शिल्पा शेट्टी अपने पति के साथ इस गंदे बिजनेस में शामिल थी या नहीं, और क्या बिना शिल्पा शेट्टी की जानकारी के ही ये खेल खेला जा रहा था। सच्चाई क्या है वह जानने से पहले हम आपको जल्दी से राज कुंद्रा का पूरा मामला बताते हैं। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा वियान इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के मालिक हैं। आरोप है कि इस कंपनी ने हॉट शॉट्स नाम की एक मोबाइल एप्लीकेशन में अपना पैसा लगाया था। हीरोइन बनने की ख्वाहिश लेकर मुंबई तक आने वाली नई लड़कियों से इस कंपनी के लोग संपर्क करते थे और उन्हें वेब सीरीज तथा फिल्मों में काम दिलाने का वादा करते थे। ऑडिशन के नाम पर इन लड़कियों से बोल्ड और न्यूड वीडियो शूट कराया जाता था। बाद में इस वीडियो को इसी हॉट शॉट नाम के ऐप पर डाला जाता था। सबसे पहले इस बात की भनक पुलिस को फरवरी 2021 में लगी। धीरे धीरे इस केस में जांच आगे बढ़ती गई और इस जांच की आंच राज कुंद्रा तक पहुंच गई और राज कुंद्रा को 19 जुलाई 2021 को गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि भारत में पोर्नोग्राफी गैर कानूनी है और इससे जुड़ा कोई काम करना भी गैर कानूनी है। लेकिन आरोप है कि राज कुंद्रा ने पोर्नोग्राफी में पैसा लगाया और इसका व्यापार किया। इसी के आरोप में राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया है। शिल्पा शेट्टी इस मामले में दोषी है या नहीं वह जानने से पहले आपको ये बताते हैं कि शिल्पा शेट्टी ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है। पति राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद शिल्पा शेट्टी ने एक बयान देते हुए कहा था कि जिस कंपनी पर पोर्नोग्राफी में पैसा लगाने का आरोप है उस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है और वह किसी भी रूप से इस कंपनी से जुड़ी हुई नहीं है। साथ ही शिल्पा शेट्टी ने ये भी कहा था कि इस कंपनी में कैसे वीडियो बनाए जा रहे थे और क्या काम हो रहा था इस बारे में उन्हें जरा भी खबर नहीं थी। इस पूरे मामले पर शिल्पा शेट्टी अपने पति राज कुंद्रा का भी बचाव करती नजर आई। पति के बचाव में शिल्पा ने भी कहा कि उनकी कंपनी एरोटिक वीडियो यानी कामुकता भरे वीडियो बनाती थी। हालांकि पुलिस का कहना है कि जो वीडियोस राज कुंद्रा के ऐप पर और कंपनी में मिले हैं वह कामुकता वाले नहीं थे बल्कि पोर्नोग्राफी की श्रेणी में आने वाले वीडियो थे। चलिए फाइनली अब बात करते हैं कि क्या राज कुंद्रा के फोटोग्राफी बिजनेस में उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी भी शामिल है या नहीं। चूंकि शिल्पा शेट्टी बिजनेसमैन राज कुंद्रा की पत्नी है, ऐसे में शिल्पा राज कुंद्रा के कई बिजनेस में पार्टनर भी है और लगभग दर्जन भर दूसरी कंपनियों में शिल्पा शेट्टी डायरेक्टर के पद पर भी मौजूद है। जिस वियान नाम की कंपनी के ऑफिस पर छापा मारते हुए पुलिस ने अश्लील वीडियो जब्त किए हैं उस कंपनी में भी शिल्पा शेट्टी डायरेक्टर हैं। ऐसे में कुछ लोगों का कहना है कि इस पूरे मामले में शिल्पा शेट्टी भी गिरफ्तार होनी चाहिए क्योंकि वह कंपनी की डायरेक्टर हैं। ऐसे में यह संभव ही नहीं है कि उन्हें इन सब गंदे खेल के बारे में पता न हो। हालांकि अब तक शिल्पा शेट्टी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मुंबई पुलिस की जांच में अब तक शिल्पा शेट्टी किसी भी तरीके से राज कुंद्रा के पोर्नोग्राफी बिजनेस में शामिल नहीं दिख रही है। पुलिस को अब तक कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है जिससे ये साबित हो सके कि शिल्पा शेट्टी का भी हाथ पोर्नोग्राफी बिजनेस में है। जिस हॉट शॉट्स नाम के ऐप पर पोर्न वीडियो डाला जाता था उस ऐप से भी शिल्पा शेट्टी का कोई लिंक अब तक सामने नहीं आया है। पुलिस ने बयान जरूर दिया है कि शिल्पा शेट्टी के खिलाफ अब तक कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन दूसरी ओर अब तक शिल्पा शेट्टी से कई दौर की पूछताछ हो चुकी है। साथ ही शिल्पा शेट्टी के घर पर छापे भी पड़े हैं। जल्द ही पुलिस शिल्पा शेट्टी के फोन को जब्त कर उसकी भी जांच पड़ताल करने जा रही है। पुलिस के बयान और अब तक के जांच के आधार पर यह कहा जा सकता है कि शिल्पा शेट्टी अपने पति राज कुंद्रा के पोर्नोग्राफी बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन दूसरी ओर मुंबई पुलिस की जाँच जारी है। ऐसे में अगर पुलिस को शिल्पा शेट्टी के खिलाफ कोई सबूत मिला तो फिर शिल्पा शेट्टी भी सलाखों के पीछे जा सकती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, राज कुंद्रा के साथ शिल्पा शेट्टी पोर्नोग्राफी बिजनेस में शामिल है या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक से लाइक और शेयर कर दें।
अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो आप तक आती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।